पहली प्रतिक्रिया आपकी टिकट कटने पर? गलत हुआ, आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई अनेक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है, मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्री कला जी के लिए वो आहत है। सारा ठीक रहा, आप लोग पर फोड़ा जा रहा है कि आपने मना कर दिया, उनको कोई चारा नहीं मिला वो? नहीं, मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो, ऐसा बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रहीं 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया, हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दिए गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय, हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवार जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना, बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे, आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में 2012 के चुनाव से पहले। ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली, हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी, या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है, और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं हैं। तब भी हम लोग उस किए थे, और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन मैं आया। क्या मैं दबाव में डर गया था क्या पुलिस के, उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार से? और अभी आप लोगों के सामने 2020 में तमाम आरोप, ऐसे अफवाहें चल रही थी ना, बाय इलेक्शन लड़े थे कि नहीं हम लड़े थे, प्रदेश में कई लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की दबाव, फर्जी बातें न बोलें। बहुजन समाज पार्टी भी देखा, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, दो दो एक एक दिन, दो दो दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है कोई, इनकी कार्यशैली हो, कोई अपना हो, तो आप अपना काम करिए, जो करना है ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। 2024 के लिए क्या बचा है आपके पास? अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में, लोगों के साथ बैठ के, जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे, तय किया जाएगा जो उचित होगा वही। झुकाव है किसी पार्टी की तरफ अभी? सब मतलब जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। अभी भूमिका तो अदा करेंगे, बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे, बगैर हम लोगों के सहमति जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। इसके अलावा क्या कोई बात हुई आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं है। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं MP था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फ़ोन पे मेरी 2013 में है, आज तक उस, और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना, मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है, पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई, और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो, इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी, ताकि मुझे टोकर दो, मुझे डिफेम करने की बात थी। कोई खेल समझ में आ रहा है क्या इसमें? कुछ तो होगा लग रहा है, कुछ डिफेम, हमको जिस तरीके से बयान दिए गए वो मुझे डिफेम करने के लिए, कुछ होगी बात इन लोगों की। चारा नहीं छोड़ा गया आपके सामने, सिर्फ एक दिन रह गया था नामांकन के लिए का? हाँ बिल्कुल, अगर चूंकि हमने इस पर किया था नामांकन, इंडिपेंडेंट के लिए आपको 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, आज हमारे पर्चे खारिज हो जाएंगे। खैर, मैं एक बात और बता दूं, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं जरूर एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भी करके रखता, या मैं इंडिपेंडेंट रहता ही, मुझे नहीं जाना पड़ता कहीं, और हम लोग चुनाव लड़ते। भविष्य में क्या कोई तालमेल बैठेगा बसपा से? मुझे नहीं, मेरा तो नहीं लगता है कभी, राजनीतिक संभावना को है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी बार धोखा खाने के बाद फिर कहाँ आदमी वो करता है। अब किसे समर्थन कर सकते हैं आप? ये भविष्य का सवाल है, मैंने अभी कहा कि अभी हम अपने सारे लोगों के साथ बैठेंगे, जिम्मेदार साथियों का, यही नहीं पूरे जौनपुर, पूरे दोनों हमारी लोकसभा, सभी जनपद के सभी लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। जनपद में कम से कम हम लोगों के 2-3 लाख लोग अपने हैं, जहां हम लोग चाहेंगे वहां मत करेंगे, ये सबसे मिलके बैठ के बाद। ये अब आपको धोखेबाज बता रहे हैं कि उन्होंने एक दिन पहले ही कहा कि अब आप हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस तरीके का बयान आपने उनको, इसका जवाब दे दिए यार, अब कौन कह रहा है, कितने बड़े लोग हैं, कोई बचा है बसपा में? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि एक अकेली सीट जौनपुर की थी जिसको लेकर बसपा चर्चा में आ गई, 5 जगह और टिकट काटे कोई चर्चा है, इतनी माइक लगा कोई पूछने गया कहीं?
खाली जौनपुर की वजह से ना, जौनपुर की वजह से चर्चा में, धनंजय सिंह की वजह से बसपा चर्चा में, बसपा की वजह से धनंजय सिंह चर्चा में नहीं है। प्रणाम। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।